तो दोस्तों आज हम मरजावा की करेंगे समीक्षा, क्योंकि इस मूवी ने ली हमारी परीक्षा। So this movie is a sci-fi movie set in a parallel universe. In this universe, everybody is a slam poet. Like the laws of physics are such that everybody has to talk in rhymes. मंदिर और मस्जिद दोनों मिलेंगे गुजरे का इस देश की जिस गली से मदद मिलेगी हर किसी को मांगो या अली से या बजरंगबली से। यहाँ न टीपू न सुल्तान न अजहर है। मैं सलमान का फैन हूं और मेरा नाम मजहर है। आसमान में बादल है, बादल में बिजली है, डॉक्टर साहब कल रात से मेरी गांड में खुजली है। अरे सबसे बढ़िया था हीरो जो है वो पुलिस वाले का बोलता है कि मारूंगा कनपट्टी पे और दर्द होगा गणपट्टी पे। फिर उसका दोस्त उसको बोलता है भाई क्या क्या लाइन मारा है तूने, कनपति और गणपति का राइम किया। मैंने कहा वाह ये भी तुझे पब्लिक को समझाना पड़ा, तो फिल्म किस लिए बनाई थी बे। फिल्म में हीरो जो है वो राइम में मारता है, लाइक धमकाता राइम में है। मैं मारूंगा मर जाएगा, दोबारा जन्म लेने से डर जाएगा। हम तो अगली फिल्म देखने से डर गए हैं, हम आगे से कभी फिल्म नहीं देखेंगे आपकी भाई। अच्छा हाँ, हीरोइन हीरो को एक वो देती है हारमोनिका देती है, और रितेश देशमुख उस हारमोनिका को उसे छीन के बोलता है हारमोनिका ओ माय डार्लिंग। द राइटर्स आर सो प्राउड ऑफ दिस जोक, दे हैव रिपीटेड दिस लाइक 3-4 टाइम्स इन द मूवी। रियली मिलाप जावेरी शुड स्टिक टू मेकिंग अ मस्ती ज्यादा, उस तरह की सनी लियोन के साथ लेके सेक्स कॉमेडी बनाए, ज्यादा बेटर लगेगा। सीरियसली रितेश देशमुख पूरी फिल्म में ऐसा लग रहा है जैसे डॉन का शाहरुख खान और जीरो का शाहरुख खान, यू नो इन दोनों ने मिलके एक बच्चा पैदा किया। सब लोग ही शाहरुख की नकल उतार रहे हैं इसमें। हाँ, इंक्लूडिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा। हाँ, फिल्म के पहले आधे घंटे में ही हमने देखा हमारे बगल वाले चार लोग चले गए थे। उन्होंने बोला बहुत हो गया भाई, अपनी बर्दाश्त हो रही। आई मीन द बेस्ट थिंग इन दिस मूवी इज नोरा फतेही। हाँ, वो एक डिंजी से बार में आती है, एक अप मार्केट लड़की, बहुत ही शेडी से बार में आती है, इसलिए क्योंकि उसको अपनी बैचलरेट मनानी है। और वो आके बोलती है कल मेरी शादी है इसलिए आज आजादी है, और फिर वो अकेली बार के अंदर नाच रही है और सारे लोग शेयर कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा बार गर्ल कौन थी। एंड दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एन आइटम सॉन्ग हैविंग अ बैक स्टोरी। देयर आर सम रियली वेल ड्रेस्ड प्रोस्टिट्यूट्स इन दिस मूवी फॉर सम रीजन। हाँ मतलब मनीष मल्होत्रा कौन से कोठे के लिए कपड़े डिजाइन करता है हमको पता करना है। हम कल से वही जाएंगे। अच्छा भाई लोग अब तो आप समझ गए होंगे फिल्म बहुत ही गंदी है, हम बचा रहे हैं आपको मत देखना। फिर भी अगर आपने बहुत बहुत टाइम से दोस्तों के साथ बैठ के सिनेमा हॉल में मस्ती नहीं किया और यू नो ही आ ऊ करके हंसा नहीं है तो जरूर जाना, क्योंकि इतना क्रिंज मिलेगा आपको, इतना क्रिंज मिलेगा कि छुट्टी बन जाएगी आपकी। तो अगर सैटरडे संडे को कुछ नहीं कर रहे दोस्तों के साथ मरजावा जरूर देखने जाना। विष्णु की जान उखाड़ूंगा जड़ से उसके 3 फुट के कद से। बॉलीवुड के दर्शकों को लकीर का फकीर बना दिए हो, कुछ तो बोलो मेरे दोस्त, ये क्या बवासीर बना दिया। यही फिल्म का मेन रिव्यू है, आपने सुन लिया पीयूष को, बस इसके आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते।